दोस्तों हम लोग अभी बुढ़ामा पहुंच चुके हैं। ये गाड़ी पार्किंग है, यहाँ पे आप अपनी बाइक या जो भी लेके आते हैं वो पार्क कर सकते हैं। ये देखिए, और आगे चलते हैं। बाल्टी ले आए और एक जग ले आए, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि दो पत्थरों के बीच में कहीं कहीं गहरा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कभी कभी अपरिहार्य घटनाएं हो जाती है। तो आप जी जी आए तो थोड़ा सा क्या है, एक बाल्टी या जग ले गया जैसा डायरेक्ट ज्यादा प्रवाह होता है जी, उस समय थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो जाती है जी। सर तो चप्पल यहीं खोल दें, जूता उता यहाँ है। तो दोस्तों दर्शनीय स्थल के साथ साथ भगवान शिव जी का मंदिर भी है यहाँ पे, तो चप्पल जूता हम लोग यहाँ खोल दिए। अब चलते हैं आगे पूजनीय स्थल की ओर। यहाँ पे नंदी और भगवान शिव का मूर्ति बना हुआ है जो बहुत ही पुराना लग रहा है, देख सकते हैं। जय शिव शंभु, हर हर शिव शंभु। यहाँ पे आप आए तो यहाँ स्नान करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन ध्यान रखें, देखिए वो दोस्त लोग ट्यूब में नहा रहे हैं, कहीं आप ऐसे ही न धकेला जाएं, नहीं तो भैया लेनी का देनी पड़ सकता है, कहे कि यहाँ बहुत ही खाई है, देख सकते हैं पूरा पानी यहाँ स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद इधर आगे बढ़ता है। और यहाँ के सीन के बारे में क्या कहें, लाजवाब है। ले मजा ले मजा। चरणों में अपना है ना जो भी दुख पीड़ा है उसको रखते हैं, और वो शिव इस पास में रहते हैं कि एक दिन भाई विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है, विश्वास पर दुनिया टिका हुआ है जी, तो जी। वो क्या है, मनोकामना रखते हैं और वो मनोकामना पूरी होती है जी जी। तो देख सकते हैं यहाँ हमारे सर जी हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पे आस्था विश्वास का केंद्र है, यहाँ पे गांव से दूर दूर से लोग अपनी आस्था और विश्वास को लेकर पूजा अर्चना करते हैं, और मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पे अपना जो भी चढ़ावा है वो चढ़ावा करते हैं। तो दोस्तों जरूर आएँ आप एक बार बूढ़ामा, और यहाँ पे यहाँ का प्रकृति का, यहाँ का भक्ति का और यहाँ का सुंदरता का मजा लें। अब हम लोग उसी नदी में ऊपर की ओर जा रहे हैं जहाँ पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। दोस्तों आप लोग जिम में बहुत से वेट उठाने वाले बॉडी बिल्डर लोग को देखे होंगे, लेकिन आज हमारे रूपसे मकाम जी देसी वेट उठाएंगे, देखिए। तो देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे, वाह क्या कातिल बॉडी है, आग लगा दे, पूरा तोड़ दे, वाह वाह। ये है दोस्तों देसी वेट, अभी
ये देखिए, इससे बॉडी अपने आप बनता है दोस्तों, आपको जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा ये देख सकते हैं, पूरा शरीर की मांसपेशियों में नस नस में आग लगा देगा। आगे चलने पर हम लोग को यह बहुत ही सुंदर नदी मिलेगा। यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इस जगह को बाघ पानी कहते हैं। माना जाता है कि पहले बहुत ही घने जंगल थे तो बाघ यहाँ पे पानी पीने के लिए आते थे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।